जय श्री राम। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ, जब आपको किसी से कहना होता है कि भाई, जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है और आप क्या वर्ड बोलते हो, मेरी जो बुद्धि है ना वो बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है ना, मेरी तो आज बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट है, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बात मत करना, उसकी तो बुद्धि ना भ्रष्ट है, उससे बात मत करना। अगर तुम उसके पास गए ना तो वो तुमसे पता नहीं कुछ कह देगा, उसकी जो बुद्धि है ना वो भ्रष्ट ही है, बिल्कुल भ्रष्ट है। इस तरह के जब आप सेंटेंसेस यूज़ करते हो, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ idiom phrases का यूज़ करना होता है, जिससे हमारी जो इंग्लिश है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। तो देखते हैं आज की हमारी idiom phrase क्या है। तो आपको यूज़ करना है ऑफ वंस हैड। किसका यूज़ करना है? ऑफ वंस हैड। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो अब आप इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करोगे? सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। अगर सपोज करो मेरी बुद्धि भ्रष्ट है तो मैं कैसे बोलूँगी? आई एम, मतलब मेरी जो बुद्धि भ्रष्ट है, और आई के साथ में क्या लगाऊंगी? एम लगाऊंगी। तो आई एम ऑफ, है ना, आई एम ऑफ। अब यहाँ पे जो वंस है ना, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का आप यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करोगे। तो आई एम ऑफ, अब यहाँ पे वंस की जगह मैं क्या लगाऊंगी? आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। तो आई एम ऑफ माई हैड, मेरी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। अब लड़का है तो आप ही लगाओगे, लड़की है तो आप शी लगाओगे। चलो लड़के की कर लेते हैं बुद्धि भ्रष्ट, तो कैसे लगाएंगे? ही इज, है ना, वह है, उसकी है, क्या है? ही इज ऑफ हिज हैड। ही के साथ हमने क्या कौन सी एडजेक्टिव लगाई? हिज लगाया, क्योंकि ही के साथ हिज, शी के साथ हर, ऐसे ही आपको चेंज कर देनी है एडजेक्टिव। अगर आप टेंस भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आप अकॉर्डिंग टू टेंस आप इसमें किसी भी, बस आपको तो idiom phrase का यूज़ करना है।